वेलकम टू एम सी टी टेक प्रिंटर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे कि प्रिंटर पे जो फोटो पेपर है वो फोटो पेपर डायरेक्ट बाहर निकाल देता है। जैसा कि ये डिजिटल प्लस का 254 ग्राम लगा हुआ है और ये पेपर को सीधे बाहर पिक ना करके पिक करके बाहर कर देता है। तो इसको आप कमांड दे रहे हैं हम लैपटॉप से, और प्रिंटर L380 है, 220 380 बहुत सारे प्रिंटर है। इसमें हम प्रिंट कमांड दे रहे हैं और प्रॉपर्टी में जाके और यहाँ पे एप्सन ग्लासी और हाई क्वालिटी कर लें, और जैसे ओके करते हैं और फिर से ओके करते हैं, इसमें यहाँ से कमांड आ रही है। पेपर देखिए नहीं खींच रहा है, ऑटोमेटिक आउटपुट आउट कर रहा है, और जो एरर आ रहा है मैसेज वो कुछ इस प्रकार आ रहा है, प्रेस कॉपी बटन एंड रिमूव एंड रिलोड द पेपर, और ये लाइट जाने लगती है, ब्लिंक करने लगती है। दोस्तों इस ऐसी स्थिति में क्या करें, आइए हम सीखते हैं। इस पेपर को बाहर निकाल दें, इस केबल को बाहर निकाल दें, और इसका पीछे वाला भाग खोलें। ये 380 मॉडल है, और इसको ओपन करें। बस नॉर्मल काम है, और इसको इस साइड खींचें, जैसे कि मैंने खींच लिया है। इसको बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद यहाँ पे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को बाहर निकाल लें, और ये इसको भी ऐसे पकड़ के बाहर निकाल लें। दोस्तों इसको होल्डर रिटार्ड कहते हैं, ये पेपर को होल्ड काम करता है। यानी आपके पास बहुत सारे पेपर हैं तो ये सिर्फ एक पेपर को और अदर पेपर को, जो बैक साइड में पेपर रहते हैं उसको होल्ड रखता है, और ये फर्स्ट जो फ्रंट में पेपर रहते हैं उसको इन कर लेता है अंदर। दोस्तों ये दोनों एक साइड से, क्योंकि स्प्रिंग अंदर वाली लॉक कर देती है, और इस साइड से ये रोटेट करता है ऐसे। तो अभी एक साइड नहीं घूम रहा है, इस साइड घूम रहा है, इसलिए इसको यहाँ से इसको ऐसे बाहर फैला के इसको इस साइड कर लें, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है। इसको इस साइड से दबाएं जिस साइड से स्प्रिंग दिख रही है, और इसको बाहर निकाल लें, और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे इस हाथ से ऐसे पकड़ें, और इसको ऐसे घुमाएं। ये मैंने बाहर निकाल दिया है, और इसको इस हाथ से लें, और जिस साइड स्प्रिंग लगी थी उसको उसी साइड से वापस इसमें डाल दें, और इसको जो ये नोक होता है, ये जो नोक होता है इसको वापस इसी पे डाल दें ऐसे। इसे डल गया, अभी दोनों साइड से रन कर रहा है। होगा क्या कि जब मोटा पेपर मेरा होता है तो ये पेपर को जैसे पिक करता है तो ये पेपर को अंदर ले जाता है, यानी ये घूम जाता है, तो जब घूमने से पेपर को आसानी होती है जाने पे, और जो सेंसर रहता है उसको कमांड मिल जाता है कि पेपर मेरे पास आ चुका है। दोस्तों इसको अब ये अंदर नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो दिख रहे हैं
इसको दाएं साइड इस दबा लें लॉक को, और इसको बाहर निकाल लें। इसके बाद इसको अंदर कर दें और फिर इसको पुश कर दें। ये बार मैंने स्प्रिंग निकाल लिया है और फिर से वापस इस स्प्रिंग को लगा दें। और इस कवर को ऐसे करके और इसे डाल दें और इसको पहले हमने इस साइड खिसकाया था, अब इस साइड खिसका देंगे ताकि ये होल जो है यहाँ पे बराबर, देखिए यहाँ पे ये होल इससे बराबर मिल जाए। और मैं यहाँ पे अब जो स्क्रू मैंने यहाँ पे ओपन किया था और मैं स्क्रू लगा वापस इसमें लगा देता हूँ। दोस्तों अब देखिए आपका जो पेपर है, पेपर में अब प्रिंट, मैंने कंट्रोल पी करके कमांड दिया है प्रिंटर को और अभी प्रिंटर ऑन नहीं है, इसलिए ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने ऑन कर लिया है दोस्तों। प्रिंटर मेरा रेडी हो चुका है, अब मैं इसको दे रहा हूँ कमांड। ये मैंने ओके किया और देखते हैं पेपर ले रहा है कि नहीं। देखिए पेपर हमारा जो प्रिंटर है वो आसानी से पेपर को उठा लिया है और पिक कर लिया है। अब मेरा जो प्रिंटर है वो प्रिंट कर रहा है जो मैंने अभी कमांड दिया है। और देखिए कमांड यहां से जा रही है। ये मैंने जो प्रिंट कमांड दी थी वो प्रिंट हो चुका है। दोस्तों बस आज इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक नमस्कार।